बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शयातीन और जिन्नों के शर और अफात बलियात और बेबरतगी वन हुस्से से बचाव के लिए अहादीस की रोशनी में हफाजती और एहतियाती तदाबीर। नमाज की पाबंदी करें, बेनमाजी की नहूसत 40 करोड़ तक जाती है। सदका और खैरात दें, सदका बुरी मौत से बचाता है और उम्र को बढ़ाता है, अल्लाह के गजब से बचाता है और 70 किस्म की बलाओं को रोकता है। बद अखलाकी से परहेज करें, बद अखलाकी के असरात खतरनाक होते हैं। फटे हुए कपड़े, तिरखे हुए और टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल ना करें। नापाक कपड़े जाले और घरों में कूड़ा करकट जमा ना रखें और चीजों को बेतरतीब और बिखरा हुआ ना पड़ा रहने दें। सिमट कर तरतीब से रखें। बाल और नाखून इधर उधर या कूड़े में ना फेंकें बल्कि मिट्टी में दबा दें या बहते हुए पानी में बहा दें। खवातीन सर को ढांप कर रखें, खासतौर पर बैतुल खुला, सेनों और खुली छतों पर और घर से बाहर हरगिज नंगे सर ना निकले, क्योंकि बेपर्दा औरत पर फौरन असरात बद पड़ना शुरू हो जाते हैं। गुस्ल वाजिब हो जाने की सूरत में ज्यादा देर गुस्ल के बगैर नापाकी की हालत में ना रहें और मजबूरी के अलावा हर वक्त पाक साफ रहें। रिज़्क़ हराम से परहेज करें, जब तक लुक्मा हराम पेट में होता है लानत बरसती रहती है और ना ही कोई दुआ कबूल होती है। बाद नमाज मगरब कब्रस्तानों दरख्तों के नीचे से हर गिर्स ना गुजरे। बावक्त मजबूरी सर बालों को अच्छी तरह टांप कर और हफाजत की दुआएं पढ़कर गुजरे। जिन्नात जंगलों बयाबानों और सहराओं के अलावा खंडरात खाली मकानात और घरों की छतों पर रहने को तरजीह देते हैं। ऊंटों के बाड़ों में भी क्याम पजीर मिल सकते हैं। बदबू नजिस मुकामात बैतुल खुला काफिर बेदी जिन्नात की पसंदीदा जगह है। जमीन पर मौजूदा दराड़ों और बिलों में जिन्नात क्याम कर सकते हैं, उनमें पेशाब मत करें, उनको बंद कर दें। रोजाना सुबह शाम की हिफाजत की दुआएं और कुलशी पढ़कर अपने ऊपर दम करें और जिक्र खफी कल्बी जिक्र तसव्वुर के साथ कसरत करें। नजासत की जगहों पर जाते वक्त ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम जरूर पढ़ लें और काले कुत्ते को देख कर भी ताऊज़ पढ़ें, काला कुत्ता शैतान होता है। घरों में दूनी लोबान हरमल गुगल और प्याज के बीचों की दिया करें। घर में दाखिल होते वक्त और खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जरूर पढ़ लिया करें और खाने में शरीक होने वाले दूसरे अफराद को भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद दिलाएं। रोजाना तुलुए आफ्ताब और ग़ुरूबे आफ्ताब से 25 मिनट बाद पहले हफाजत की दुआएं पढ़कर अपने और अपने बच्चों के ऊपर दम कर लिया करें और ग़ुरूबे आफ्ताब से पहले अपने घरों के दरवाजे भी बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर लिया करें और उस वक्त अपने बच्चों और मवेशियों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि उस वक्त शयातीन जमीन पर फैल जाते हैं और उनका शर भी ज्यादा हो जाता है। रात का कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद जाने लें। सोते वक्त आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लें। बिस्तर पर लेटने से पहले बिस्तर को झाड़ लें, दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर लें, क्योंकि शयातीन उस दरवाजे को नहीं खोल सकता जो बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया गया हो। रात के वक्त खाना खाने पीने की चीजें और बर्तनों को ढांप कर रखें और बगैर धुले बर्तन धोए बगैर ना पड़े रहने दें। औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखी और बेअदबी से परहेज करें, ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है। इनके नाम सीन शीन एन कैन रे रे जे और कुटी ऐसे शुरू होते हैं और वो मुसलसल बीमारियों परेशानियों और मसाइल का शिकार हो तो वो अपना नाम तब्दील कर लें। तफसील किताब रहनुमाए औलिया में देख सकते हैं। बानी आल पाकिस्तान समुसला कमेटी आज के सूर मुश्दे की कायदे रोहन कलाल हजरत सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासारी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आस्थाना आलिया मुहम्मदिया सिद्दीकिया नक्शबंदिया जादा लसानी मरकज रूहानियत दरबार आलिया लसानी सरकार लसानी चौक रोशनवाई चौक बाईपास समंदरी रोड फैसलाबाद पाकिस्तान हेड ऑफिस 39 पीपल्स क्लब नंबर 2 फैसलाबाद पाकिस्तान फोन नंबर 04187203522।